स्काई 360 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे यूट्यूब रिलेटेड हर स्टोरी सबसे पहले जानने के लिए। हे व्हाट्सअप स्काइंस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोटेक के बारे में। तो ये गेमिंग चैनल है, 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स। तो फिर कल उन्होंने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया है, उनके चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुके हैं एज यू कैन सी। और उन्होंने लिखा है कि आई हैव ए सैड न्यूज फॉर यू गाइज, आवर चैनल हैज ए 2 copyright strike ऑन माई प्रीवियस वीडियोज। द चैनल इज इन रिस्क नाउ, होप फॉर द बेस्ट। दैट्स द रीजन व्हाई क्रिएटर स्टॉप पोस्टिंग गेमिंग डाउनलोड वीडियो आफ्टर सीइंग दिस। आई विल नेवर पोस्ट a how to download video on my channel. So guys, I have need your support. If you don't subscribe my second channel yet, please subscribe it. Also, उन्होंने कहा है कि वो YouTube को कभी भी quit नहीं करेंगे। तो आप लोग अगर support करना चाहते हो तो मैं link description में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग checkout कर लेना। तो फिर चलो बढ़ते अगली story की तरफ। तो अगला story निकल के आ रहा है Andy Guzzer की तरफ से। तो फिर कल Andy Guzzer ने अपने Instagram पे Q&A session रखा था। फिर उसमें से एक बंदे ने पूछा था Andy Guzzer को अमित भाना और हर्ष बेनीवाल के बीच में जो लड़ाई हुआ था, तो फिर उसके रिलेटेड Andy Guzzer ने क्या कहा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई लड़ाई नहीं हुई थी किसी में भी, लोग किसी चीज का कुछ और मतलब निकालने में माहिर है भाई। ऑल्सो आप लोग अगर पूरा रीड करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हो, मैं अगर पूरा पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बढ़ते अगली स्टोरी में। तो अगला स्टोरी निकल के आ रहा है ज्ञानी 2.0 के बारे में। ज्ञानी 2.0 ने अपने इंस्टा पे एक मीम शेयर करते हुए बताया उनका सॉन्ग बहुत जल्दी आने वाला है, यू कैन सी। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिर चलो बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ। तो अगला स्टोरी है रियल शेट के बारे में। तो रियल शेट रिसेंटली मिला है बादशाह से, एज यू कैन सी। तो लगता है कुछ कॉलेब आने वाला है, अगर कुछ स्टोरी निकल के आता है मैं आप लोगों को बोल दूंगा। तो बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ। तो अगला स्टोरी निकल के आ रहा है आशीष चंचलानी और जीवाशु आलूवालिया की तरफ से। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ जीवाशु आलूवालिया कौन है। तो फिर ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ऑल्सो इनका एक यूट्यूब चैनल है विथ ओवर 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर। तो फिर रिसेंटली जो आशीष चंचलानी का वीडियो था द मम्मी, तो फिर उस वीडियो में एक पार्ट कॉपी था, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा जीवाशु आलूवालिया आशीष चंचलानी को मैसेज की। तो फिर इसके रिलेटेड आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरी डाली कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो फिर इसका एंस आप लोग पूरा देखना, तो फिर आप लोग समझ पाओगे। लेट्स रोल इट। हेलो गाइस, कल जैसा कि आपको पता है मेरी न्यू वीडियो रिलीज हुई द मम्मी, और उसमें एक सीन था क्या खाएगा बेटा, एंड मैं जो भी मम्मी को बोलता हूं मम्मी बोलती है घर पे नहीं है। सो आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली गाइस, ये सीन मेरे साथ घर पे हो चुका है। एंड मैंने मम्मी को पूछा कि बटर चिकन है, मम्मी ने बोला आज ट्यूसडे है, ये है, आज ये है, वो है, एंड कुछ ना कुछ बहाने देके मतलब मम्मी ने जेन्युइनली वही चीज खिलाई जो घर पे थी। एंड ये मेरे साथ हुई तो मैंने वो स्क्रिप्ट बनाई, एंड आई स्वेयर टू गॉड मैं कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट कॉपी नहीं करता हूँ। मुझे रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले ही एक बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन है जीवेशु आलूवालिया भाई, उनसे मैसेज आया कि जो जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है क्या उसने ये जोक्स मेरे स्टैंड अप कॉमेडी में से उठाया है, क्योंकि उनका एक वीडियो है स्टैंड अप का जिसमें सेम टू सेम ऐसा सेगमेंट है। एंड मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर किसी ने ओरिजिनली ये काम पहले ही बना चुके एक पर्टिकुलर कंटेंट पीस, और अगर वो किसी का रिपीट हो जाता है, शायद मुझसे रिपीट हो गया है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि क्लियरली पब्लिक को ऐसा दिखेगा कि मैंने उनका कॉपी किया है। बट मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया, मैं कभी किसी का काम कभी भी कॉपी नहीं करता हूँ। एंड मैं जीवेशु भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड हमारी फोन पे बात हो गई और ये बात क्लियर हो गई कि ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि हमारे उनके घर पे और मेरे घर पे दोनों के घर पे मम्मिया ऐसे ही करती है। सो मैं बस ये स्टोरी डाल रहा हूँ बात क्लियर करने के लिए कि जो भी जीवेशु भाई के फैंस है और उनका वीडियो देखा है और जो मेरा वीडियो देखा है, प्लीज ये बात हमारे में आपस में क्लियर हो चुकी है कि किसी ने किसी को कॉपी नहीं किया, मैंने तो उनको बिल्कुल कॉपी नहीं किया। तो फिर स्कैंस आप लोगों ने देख लिया। तो अब तक के लिए बस इतना ही स्टोरीज था जो कि मैंने आप लोगों को बोल दिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन ठोको लाइक, डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड यू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्काई आउट।